मेरे मोहतरम बुजुर्ग सबसे पहले मैं जो नुकसान के नौजवान लोग और साथी जो यहाँ हमारी सफों में शामिल हुए हैं उनको खुशामदीद वेलकम करता हूँ बहुत बहुत और मैं यकीन दिलाता हूँ कि उनको वो बहुत इज्जत और मकाम मिलेगा जो उनको डिजर्व करते हैं और हमारे साथ करने से करना मना के चलेंगे इंशाल्लाह ताला। आज क्योंकि एक रोड शो है और यहाँ पर ज्यादा तकरीरें करने का वक्त नहीं है, नुकसान में हमने ऊपर प्रोग्राम रखा था टॉप पे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इजाजत सकते नहीं दी, हमें 12 बजे से क्लोज करना है जाके पगियाड़ा से, इसलिए इसको मुख्तर करना पड़ा। आपसे ये वादा है कि इंशाल्लाह ताला कामयाबी के बाद पहला प्रोग्राम आपका टक्शन ऊपर होगा और वहां पर जो भी आपके बाढ़ यहां पर हैं, चाहे आपकी अपर टक्शन की सड़क की डिमांड हो, हाई स्टैंडर्ड स्कूल की डिमांड हो, स्कूल में बिल्डिंग की डिमांड हो, आंगनबाड़ी सेंटर्स की डिमांड है, 3 ट्रांसफार्मर्स की डिमांड है यहाँ पर, और उसी तरह बाकी डिमांड जो लिख के मैंने दी है मैंने वो एक्सेप्ट की है, मैं मानता हूँ ये बहुत प्राइम डिमांड है आप लोगों की और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो तमाम डिमांडें जो है वो पूरी हों और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूं, हम लंबे लंबे वादे नहीं करते, लंबे लंबे वादे नहीं करते, लेकिन इतनी कोशिश करते हैं कि जो लोगों में बात करें उसको पूरा करें ताकि उस इलाके से इज्जत से सर ऊंचा करके दूसरी बार मैं भी और मेरे साथी भी चल सकते हैं। और ये जो डराने वाले या टीचर धमकियां देने वाले लोग हैं उनसे कहो अपने अपने बिलों में घुस जाए, अब तुम्हारा वक्त खत्म है, अब तुम्हारी एक्सपायरी डेट है, अब किसी जाने अब वो जो नहीं कि आप आए हुए नाराज को डराओगे, अब यहाँ जयालों का जश्न चला है, अब यहाँ तुम आपको इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ वक्त और जमाना बताएगा कि गुलाबगढ़ के अंदर किस तरह से दिल्ली आएगी इंशाल्लाह। कुर्सी बदलने की बात नहीं होगी, सिर्फ टोपी बदलने की बात नहीं होगी, ये लोगों की मूर्तें और उनकी जो है हालात बदलने की बात होगी। यहाँ के नौजवान के हालात बदलेंगे, यहाँ के बुजुर्ग के हालात बदलेंगे, यहाँ के गरीब के हालात बदलेंगे, यहाँ के सड़कों के हालात बदलेंगे, यहाँ के स्कूलों के हालात बदलेंगे, यहाँ के अस्पताल के हालात बदलेंगे। हम ऐसे हालात नहीं रहने देंगे कि हमारे बच्चे हमारे माए बहने हॉस्पिटल के लिए तरसे और माहौल जम्मू में जाके दफ्तर में ऐसे हालात पैदा करेंगे। वो एडमिनिस्ट्रेशन अब आप माहौल के दरवाजे या दरवाड़ी या किसी जगह के दरोगा के दरवाजे पर नहीं जाओगे, अब एडमिनिस्ट्रेशन आपके दरवाजे पर आएगा। दफ्तर इन इलाकों के अंदर खोलने का वक्त है, आप माहौल बग्गा दरवाड़ी का वक्त हो गया, अब यहाँ का वक्त शुरू हो गया है, इसलिए लोगों को बहुत जल्दी अब रास्ता भटकार में बंद करो, अब वो वक्त नहीं रहा। मैं आप लोगों से कहा सिर्फ 48 घंटे का वक्त है, 48 घंटे का जो हमारा फैसला है वो बहुत बड़ा फैसला होना चाहिए और उसकी गूंज दिल्ली के अवानों तक सुनाई देनी चाहिए, दिल्ली की पार्लियामेंट से होना चाहिए कि टुकसन से जो आवाज उठी, जो लल्लर से उठी, जो शहडोल से आवाज उठी, जो अड़वेज से आवाज उठी, जो नहोज से, शिवराज से, और जो खोन लाड़ पटियाला गुलाबगढ़ बरमसाद से आवाज उठी, जो लज से आवाज उठी, वो आवाज दिल्ली के दरवाजों तक पहुंच सकती है और दिल्ली के दरवाजे उनके लिए खोले जा सकते हैं। आप लोगों का बहुत मशहूर हूँ, आपने जिस तरह से प्रोग्राम यहाँ पर किया, जिस तरह से आप शमूलियत हुए, आज से डर और खौफ खत्म, आज से एक नई जिंदगी का आगाज है इंशाल्लाह। कामयाबी आप लोगों की है, फतह आप लोगों की है और कामयाबी आप फतह गए, आपने अपना हिस्सा डालना है उसमें और इंशाल्लाह ताला आप देखोगे 8 तारीख का रिजल्ट मंदिर आम पर आएगा। मतलब ये चलाने वाले लोग इनके बोरिया पिछला हफ्ता पहले से गोल हो चुके हैं।
दूसरे कुंजे में। अब ये तलाश है कि कहीं से हमें रास्ता मिले, लेकिन कहीं से रास्ते ने हमें इनके रास्ते बंद कर दिए गए। अब जुल्म का दौर खत्म, अब अल्लाह हमारे साथ है, हम एक दूसरे के साथ है और अल्लाह हमारे साथ है। अब जुल्म का दौर खत्म, अब जालम का दौर खत्म, अब गरीब आदमी और मजलूम के साथ खड़े होने का वक्त है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।